हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। रात के 7 बज चुके हैं, हम निकल चुके हैं बठिंडे की मशहूर दरगाह पीर बाबा मरेल कोटले वाले। तो थोड़ी देर तक हम दरगाह के पास पहुँच जाएंगे। जय मस्ता दी, जय साइया दी, सलाम दुआ सत श्री अकाल, जय माता दी। और हम बिल्कुल अब दरगाह के सामने हैं, तो आइए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, यह जो आप अंदर की मज़ार देखेंगे, यह बाबा मरेल कोटले वाले सरकारों की है। यहाँ हमने बाबा जी को माथा टेका, चादर चढ़ाई और जो लड्डुओं का भोग था वो चढ़ाया। पन सुट तसल्ली भूख मसल्ला, बोल फकीरा अल्लाह ही अल्लाह, बोल फकीरा अल्लाह ही अल्लाह, जितन वाली सारी दुनिया ते हारण वाला कल्ला, बोल फकीरा अल्लाह ही अल्लाह, बोल फकीरा अल्लाह ही अल्लाह। दुनिया दा हर बंदा मंगदा, कोई माड़ा मंगे ते कोई चंगा मंगे, कोई दुध मंगे कोई पुत मंगे, कोई रिद्धियां मंगे कोई सिद्धियां मंगे, मंगण वाली सारी दुनिया ते देवन वाला कल्ला, बोल फकीरा अल्लाह ही अल्लाह, बोल फकीरा अल्लाह ही अल्लाह। जय मस्तानी। बाबा जी के दर्शन करने के बाद मन को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली। दोस्तों, कहा जाता है पंजाब की धरती को पीरों फकीरों के नाम से ही जाना जाता है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और बठिंडा के रोज़ गार्डन की ओर आपको लेकर चलते हैं। कहा जाता है एक ज़माने में यहाँ फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी। नहीं, ये जो लाइटें दिख रही है वही है रोज गार्डन। इधर बहुत सारे झूले हैं, चंडू वाले झूले सब। मेला लगा है, पहली बार आया हूँ आज। मैं तो मेला लगा है और बारिश होने लग गई। न्यूज़ है ये, चल ये देखो चंडू वाले। तो गाइस देखिए, हम रोज गार्डन के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पहले ही ऑलरेडी मेला लगा हुआ है, काफ़ी मात्रा में भीड़ है, पुलिस का भी पहरा लगा हुआ है। तो हमारी कोशिश है हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ गार्डन के अंदर का नज़ारा दिखाएं। तो गाइस, यह रोज़ गार्डन की मेन एंट्रेंस है। सामने ही बाबा विवेकानंद जी का स्मारक लगा हुआ है।
तो दोस्तों बारिश बहुत तेज़ होने की वजह से हम आपको पूरा रोज़ गार्डन नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए हम अब वापस अपने घर जा रहे हैं। तो हम घर आ चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। तो यहीं पे मैं वीडियो एंड करती हूँ।